आपकी श्री मेरा मतलब है कुमार कुमारी रहने दीजिए इतनी अच्छी से पहचान करवाई है हमारी नहीं नहीं शुक्रिया शुक्रिया इन्हें बोलने में कंफ्यूजन हो रहा था हम तो जी रहे मैं गंगूबाई प्रेसिडेंट कमाठीपुरा कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं नमस्ते ए राजा इधर आ कुर्सी लेकर आ लाना राजा रख इधर और इमेक नीचे कर निकल अभी भाषण वासन देने की आदत नहीं है मुझे आज सीधा दिल से बात करूंगी मैं शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे लेकिन ध्यान से सुनना हा? आप लोग भी समाज के ठेकेदार जो हो सीधा पॉइंट पे आती हूं मैं यहां बैठे सबका कुछ ना कुछ तो धंधा होता होगा बिजनेस कोई डॉक्टर होगा कोई इंजीनियर कोई टीचर कोई चना बेचता है कोई दारू कोई कपड़ा साबुन बर्तन है कि नहीं फिजी भाई जी दिमाग वाला दिमाग बेचता है हमारा धंधा शरीर का है तो हम शरीर बेचते हैं बदन तोड़वा कर काम करते हैं हम साहेब क्या गलत करते हैं इनको सिर्फ हमारी दुकान पे इतराज क्यों सिर्फ हमारा ही धंधा बेइज्जत क्यों आदमी लोग आते हैं आपके ही मोहल्ले से हमारे मोहल्ले में फिर भी हमारा ही मोहल्ला बदनाम क्यों आप लोग जानते हो दुनिया का सबसे पुराना पैसा कौन सा है वैश्याओं का हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी है कि नहीं सच कहूं तो आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास पूछो कैसे आपकी इज्जत एक बार गई तो गई हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है साली खत्म ही नहीं तालियां तो बजा दी लेकिन मजे की बात तो देखो आप हमें ही बेघर कर देना चाहते हो और अगर वो काफी नहीं था तो हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहते हो एक सवाल पूछना चाहती हूं मैं आप लोगों से ईमानदारी से जवाब देना क्या हमारे बच्चों को भी शिक्षा का हक है कि नहीं हाँ हमारे बच्चे भी आपके बच्चे की तरह हिंदुस्तान का कल है कि नहीं तो बस ठान लिया गंगू ने कमाठीपुरा की औरतों को बेघर होने नहीं दूंगी हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक में लेकर ही रहूंगी तो मेरे श्रोतागण हो आज का भाषण पूरा हुआ फेजी भाई लिख देना कल के अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुका कर नहीं आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई